यहाँ पे दोनों टीम्स आ चुकी हैं और हमारा फर्स्ट मैच बिटवीन वीके एंड मिड स्टार्ट होते हुए यहाँ पे हमारा क्लैन वर्सेस क्लैन गेम हो रहा है। हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है देखने के लिए। ये वाला हमारे टीएन इमोर्टल, क्या उनके पास इनफ लूट है? और यहाँ पे टीएन इमोर्टल को शॉट्स पड़ते हुए वो उसी लेके भाग रहे हैं सबसे आगे। वीके शार्पी सबसे आगे और शायद उन्होंने साइको को स्पॉट कर लिया है। वो परफेक्ट वही ले जगह पे एम लेके खड़े हैं। इसके बाद टाइम मिला, ये स्ट्रीम कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला आपको ये करने के लिए। दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच। यस, दिस विल बी एन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। सो यहाँ पे मिथ के पिकाचू ने एक बंदे को स्पॉट, और यहाँ पे फर्स्ट मैच जीत लिया है मिथ की टीम ने। साइको ने 2 किल्स कर लिए, पिकाचू ने 1 किल और मास्टर रितेश ने 1 किल। हम लोग मिथ की टीम को स्पेक्टेट कर रहे हैं। वो लोग एक साइड के कंटेनर्स पे उतर जाए गए हैं और वीके की टीम अलग अलग उतरी है थोड़ी सी। और यहाँ पे वीके रोबो ने स्पॉट कर लिया था मिथ के एक बंदे को। योद्धा का बचपन में एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पे मिथ के पिकाचू को वीके शार्पी और 2 बंदों को नॉकआउट किया है वीके शार्पी ने। पुश करेंगे, आई एम वेरी श्योर उनको अपॉर्चुनिटी है अभी। और यहाँ पे मिथ की टीम उनको रिवाइव करने की कोशिश करते हुए टीएन इमोर्टल सपोर्ट करेंगे वीके की टीम को। मास्टर रितेश ने स्पॉट कर लिया है, नेड कर रहा है। और यहां पर एक बंदा उनका रिवाइव हो चुका है, दूसरा बंदा रिवाइव होना बाकी है अभी। शायद वीके की टीम ने थोड़ा सा लेट कर दिया। वैसे टीएन इमोर्टल भी आते हुए सपोर्ट के लिए। स्पाय होते कौन? हाँ, स्पाय कल्या था। और टीएन इमोर्टल को, और टीएन इमोर्टल को नॉकआउट कर दिया है सुमित ने और गेम से भी बाहर निकाल दिया है। मास्टर रितेश ने पीके शार्पी को नॉकआउट कर दिया है और गेम से बाहर निकाल दिया है। अब गेम है 4-on-2 और यहाँ पे वीके अभी एंड वीके रोपो पोजीशन लेते हुए। अब डिफिकल्ट होगा इनके लिए। और यहाँ पे वीके अभी ने नॉकआउट कर दिया है और यहाँ पे वीके रोबो ने भी नॉकआउट कर दिया है। अब ये पुश करेंगे, इनको यही अपॉर्चुनिटी है पुश करने के लिए, अदरवाइज बहुत। वीके रोबो ने और एक बंदे को नॉकआउट कर दिया है। देख लिया उन्होंने, मेरा ही एमएस सही था आज। नेड गलत हो गया इनका, बट अभी गेम है 2-on-2, इवन है गेम। मास्टर रितेश को नॉकआउट कर दिया है और मास्टर रितेश को गेम से बाहर निकल दिया है। अब सिर्फ बचे हैं मिथ साइको। क्या मिथ साइको कुछ कमाल दिखा पाएंगे? उनका लेवल 3 हेलमेट बहुत, लेवल 2 हेलमेट डैमेज्ड है, लेवल 1 वेस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। वीडियो कैसा होता ईवीएक्स इन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर? मेरे को तो पसंद आया ब्रो, पर एक सेकंड, यहाँ पे बंदों ने स्पॉट कर लिया ऑलरेडी लोकेशन। मास्टर रितेश ने देख लिया है वीके की टीम कहाँ पे उतरी है, जॉर्जो पुल के क्रेट्स पर। साइको ने ऑलरेडी स्पॉट कर लिया है, 2x स्कोप यूज करके वो लोग वो शूट कर रहे हैं। टीएन इमोर्टल पुश करते हुए, साइको वाज सुपर्ब इन लास्ट गेम। यस, वेरी गुड प्ले बाय साइको।
in the last game. It was two versus one situation, one versus one v two situation, and उन्होंने दोनों को kill कर लिया. बहुत बढ़िया था performance. TPP का best use किया था उन्होंने. यहाँ पे मिथ ने शायद वीके शर्पी को काफी डैमेज कर दिया है. हम लोग देख पा रहे हैं दो दो में बटी हुई टीम्स. एक जगह पे है वीके अभी वर्सेस वीके इमोर्टल, उनके अगेंस्ट है साइको और है रितेश. और अभी पिकाचू ने उनको ज्वाइन कर लिया है. पिकाचू भी टीपीपी कर रहे हैं. टीपीपी करते हुए पूरी के तरीके से टीएन इमोर्टल हम लोग देख पा रहे हैं. टीएन इमोर्टल को कंप्लीटली टीपीपी का यूज करते हुए, और उन्होंने मास्टर रितेश को शायद स्पॉट कर लिया है. अब टीएन इमोर्टल उसकी नजर नहीं हटाएंगे यहां से. वीके अभी साइड में है. लास्ट गेम मिथ जीता. हाँ, और यहां पे शायद रश आ रहा है. क्या टीएन इमोर्टल लेट हो गए साइको. थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अच्छी थी. और यहां पे मास्टर रितेश ने वीके शार्पी को नॉकआउट कर दिया है. मिथ क्लैन बिग फैन. और यहां पे पुश होते हुए इमोर्टल के ऊपर, और इमोर्टल फंस गए. इमोर्टल ने एक को नॉकआउट कर दिया पिकाचू को. साइको फिर से अकेले. क्या साइको गेम ही निकाल पाएंगे? और साइको को नॉकआउट कर दिया इस बार. मिथ के सुमित बाकी है सिर्फ. और ये मैच भी मिथ ने जीत लिया है. इसी प्रकार थ्री मैच फाइव मैच सीरीज जीत ली है मिथ ने 3-0.